तेलंगाना की प्राप्ति के लिए जिन युवाओं ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था, करीब करीब 1500 युवाओं ने दिया था, उन्होंने तेलंगाना की भविष्य की पीढ़ी के लिए अपना सब कुछ बलिदान किया था। आज युवा बिल्कुल निराश खड़ा है, किसान, दलित, बैकवर्ड्स बिल्कुल निराश खड़े हैं और भारत के भविष्य का निर्णय और निर्धार करेगा। इसलिए सारी पार्टियों के परफॉर्मेंस के इवैल्यूएशन के साथ आप वोट कीजिए और मुझे भरोसा है कि तेलंगाना के सुज्ञ मतदाता जब ये पृष्ठभूमि को चेक कर वोट देंगे तो निश्चित ही तेलंगाना के मतदाता की पसंदगी कमल निशान पर होगी, मोदी जी की भारतीय जनता पार्टी पर। यहां पर घपले, घोटाले और भ्रष्टाचार के सिवाय कुछ नहीं किया। किसी भी सरकार की क्रेडिबिलिटी, इसकी विश्वसनीयता उसने अपने जो घोषणा पत्र घोषित किए हैं इसमें कितने वादे पूरे किए हैं इसके आधार पर होती है। 1 लाख नौकरियां देने का वादा किया था, 8 से ज्यादा पेपर लीक हुए, और क्यों पेपर लीक हुए हम सब जानते हैं, भर्तियां हो नहीं पाई। 3000 रुपया प्रतिमाह बेकारी भत्ता देने का वादा किया था, वो भी पूरा नहीं हुआ। प्रेस वार्ता में स्वागत है। हम सब जानते हैं आने वाले दिनों में तेलंगाना विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। ये चुनाव तेलंगाना राज्य के लिए और तेलंगाना के सभी नागरिकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण और दिशादर्शक चुनाव होने वाला है, क्योंकि एक लंबे संघर्ष की पृष्ठभूमि में तेलंगाना की रचना हुई, अलग तेलंगाना राज्य की मांग में तेलंगाना प्राइड के साथ साथ खुशहाल तेलंगाना भी एक मुद्दा था, और 10 साल के बाद जब पीछे मुड़कर देखते हैं तो रेवेन्यू सरप्लस स्टेट से लाखों करोड़ों का ऋण आज तेलंगाना स्टेट पर है। तेलंगाना की प्राप्ति के लिए जिन युवाओं ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था, करीब करीब 1500 युवाओं ने दिया था, उन्होंने तेलंगाना की भविष्य की पीढ़ी के लिए अपना सब कुछ बलिदान किया था। आज युवा बिल्कुल निराश खड़ा है, किसान, दलित, बैकवर्ड्स बिल्कुल निराश खड़े हैं, और सभी लोग तेलंगाना के भविष्य को लेकर आशंकित है। 30 नवंबर को तेलंगाना का चुनाव होना है। मैं तेलंगाना की जनता को, सारे मतदाताओं को अपील करना चाहता हूं कि आपका एक वोट केवल एक विधायक या एक सरकार का निर्णय नहीं करेगा। आपका एक वोट तेलंगाना और भारत के भविष्य का निर्णय और निर्धार करेगा। इसलिए सारी पार्टियों के परफॉर्मेंस के इवैल्यूएशन के साथ आप वोट कीजिए
और मुझे भरोसा है कि तेलंगाना के सुज्ञ मतदाता जब ये पृष्ठभूमि को चेक कर वोट देंगे तो निश्चित ही तेलंगाना के मतदाता की पसंदगी कमल निशान पर होगी, मोदी जी की भारतीय जनता पार्टी पर होगी। ये 10 साल में बीआरएस ने एक प्रकार से करप्शन के अलावे कोई उद्यम नहीं किया है। मिशन भागीरथ घोटाला हो, पासपोर्ट स्कैम हो, मियापुर भूमि सौदे का 4000 करोड़ का घोटाला हो, आउटर रिंग रोड सिर्फ औने पौने दाम पर बेच देने का घोटाला हो, कालेश्वरम परियोजना का घोटाला हो, शराब घोटाले को हम सभी जानते ही है, ग्रेनाइट घोटाले में कितना मनी लॉन्ड्रिंग हुआ वो कोई छिपी बात नहीं है, 2020 की बाढ़ राहत में भी घोटाला किया गया, केक के रिपोर्ट से स्पष्ट हो गया है कि मिशन कार्तिक में 22,000 करोड़ रुपए का बजट समाप्त होने के बाद भी सिर्फ 65% काम हुआ है। और बीआरएस के कार्यकर्ता दलित बंधु जो 2 बेडरूम हॉल किचन का स्कीम है उसमें भी उगाही कर दलितों से पैसा लेते हैं। ये सारी बातें आज तेलंगाना की जनता की जनमानस में स्थिर हो चुकी हैं और तेलंगाना की जनता मानती है कि केसीआर की पार्टी बीआरएस ने यहां पर घपले घोटाले और भ्रष्टाचार की सिवाय कुछ नहीं किया। किसी भी सरकार की क्रेडिबिलिटी, इसकी विश्वसनीयता उसने अपने जो घोषणा पत्र घोषित किए हैं इसमें कितने वादे पूरे किए हैं इसके आधार पर होती हैं। 1,00,000 नौकरियां देने का वादा किया था, 8 से ज्यादा पेपर लीक हुए, और क्यों पेपर लीक हुए हम सब जानते हैं, भर्तियां हो नहीं पाई, 3,000 रुपया प्रतिमाह बेकारी भत्ता देने का वादा किया था वो भी पूरा नहीं हुआ, 40,00,000 बच्चों को केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा देनी थी वो भी वादा पूरा नहीं हुआ, 7,00,000 गरीबों को घर देने का वादा उन्होंने पूरा नहीं किया, मोदी जी ने इसका प्रयास किया, गरीबों का 1,00,000 रुपए का लोन माफ करना था वो भी नहीं हुआ, हर जिले में एक सुपर स्पेशलिटी अस्पताल खोलना था वो भी नहीं हुआ है, सिनेमा सिटी, फार्मा सिटी, टेक्सटाइल सिटी, स्पोर्ट सिटी और एजुकेशन सिटी ये सभी बनाने का वादा था, सिटी कहीं पर दिखाई नहीं पड़ती है और सिटी के लिए जो जमीन था वो सारा गबन कर केसीआर के लोगों ने भ्रष्टाचार किया है। इसके दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने